बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इस वक्त खड़ा हूँ पाकिस्तान के सबसे पहले सबसे बड़े शाहीन शनवारी पर, और मेरे साथ शाहीन शनवारी के ऑनर खड़े हैं हारिस साहब। इनकी उम्र तो कम है लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। इन्होंने जेडीसी फोन किया, जेडीसी के बुजुर्गों के लिए एक ऐसी डिश का इंतजाम किया जो इनका दावा था कि कहीं भी पूरे पाकिस्तान में इनके अलावा कोई और नहीं बनाता। मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ वो डिश तैयार हो रही है जमीन के नीचे पिछले 6 घंटों से। इस डिश का नाम क्या है हारिस भाई, बताएं। ये हमारी दो डिशें हैं जो हमारी स्पेशलिटी होती है, स्पेशली हमारे पठानों की। एक सोबत है, और जो हमारे ट्रेडिशनल जो हमारे गांव में देहातों में हमारे घरों में ये खाना बनता है, और दूसरा हमारा रोश है जो कोयटा में बड़ा मशहूर बनता है। अच्छा, मैं अभी इसके बारे में आपसे आगे पूछूंगा कैसे बना है, पहले मंजर को दिखाएं अंदर क्या है भाई। अच्छा, नीचे कोयला है सारा, यार खोलो में ढक्कन, अंदर होता क्या इसके। अच्छा, और ये क्या है? अच्छा, ये तो सारा बकरा ही बकरा है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आपको अपने बुजुर्गों से भी मिलवाते हैं। मौसी जी ने शहर भी हमारे साथ कुछ है, और आपसे फिर जानेंगे ये कहाँ से गोश्त और क्या तरीके का रहे। आइए, ठीक है, ये रोस्ट निकल रहा है, नमकीन रोस्ट, और इसके साथ तैयार हो रहे हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ, अब मैं सोबत दिखा रहा हूँ वो कैसे बनता है, उसमें रोटी किस तरह तोड़ी जाती है। ये देखिए, इधर आ जाओ, ये रोटी है, ये रोटी है। इस रोटी को तोड़ के यहाँ फैला लिया गया। अब इस पे क्या क्या डाला जा रहा है, प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये बहुत स्पेशल डिश है। देखिए कितनी बड़े गोश्त के इसके अंदर बोटे डाले जा रहे हैं भाई। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें हैं भाई हारिस भाई? इसमें गाजर है, शलजम है, फिर हमारे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें बकरे का गोश्त है जो रान और पुट का गोश्त डाला जाता है, उसके अलावा इसमें बकरे के जॉइंट्स डाले जाते हैं। अच्छा, पूरी पूरी साबित गाजर भी इसके अंदर, ठीक है, गोश्त में पूरे पूरे पीस डाले। चलो आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, मैंने सिर्फ इसके ऊपर उंगली रखी है गोश्त पे, देखे ठीक है, मैं टच कर रहा हूँ, और इतना ज्यादा नरम और इतना, वाकई बुजुर्गों के लिए जो आज एहतमाम किया डिश का, बुजुर्ग खुश हो जाएंगे। चलते हैं आगे। इस वक्त दो डिशों की बात की थी हारिस भाई ने, लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जैतून बकरे की कढ़ाई, और उसके अलावा कबाब, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इसको सर्व हो रही है। बुजुर्ग यहाँ पर खा रहे हैं, हारिस भाई हम राय लें बुजुर्गों से। हमारे पास एक चीफ शेफ हैं हमारे बुजुर्ग अब्दुल रजाक साहब। हाय हाय, जरा बता दें कैसा लगा ये खाना, इसके नाम क्या थे फुलपुलिया में? सोबत और रोश कैसा लगा? वेजिटेबल के साथ इन्होंने नई ट्राई की है, ये इनकी सौगात है, नई ट्राई नहीं है हमारी। अच्छा, बकरा कैसा है, बकरा कैसा लगा अंदर? बेहतरीन सलावट थी। ठीक है, शोरमा बना है, ये शोरमे वाला है, ये इसको रोश कहते हैं, ये रोश है, रोटा की डिश है, और वो जो हमारी सोबा जो ये केबीके की डिश है यार। अच्छा ये बताने, ये क्या तकल्लुफ किया आपने भाई? ये बस एक छोटा सा तोहफा है हम। अच्छा, पे जो बुजुर्ग हैं। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये तमाम बुजुर्गों के लिए इनकी जानिब से यहाँ पर सूट भी हैं, उसके अलावा केक का इन्होंने इंतजाम किया हुआ है। अच्छा, हमारे साथ कुछ मौजूदीन हैं, शहर भी इस वक्त मौजूद हैं, जो आज मैं इनको लेकर आया दिखाने के किस तरह से कराची वाले अपने बुजुर्गों का ख्याल रखते हैं। हारिस भाई आपका शुक्रिया, शुक्रिया। शाहीन शनवारी जो बिल्कुल बना हुआ है, म्यांमार का मोड़ है ना ये? जी, ये हम इस वक्त यहाँ खड़े हैं, और पाँव रखने की जगह नहीं, हालांकि नॉर्मल दिन है। आए मैं बात करता हूँ, और सलाम वालेकुम उस्मान साहब, क्या कहेंगे ये हारिस भाई के जज्बे को, क्या बोलेंगे, खाने की क्वालिटी कैसी? बहुत जबरदस्त। टेस्ट कैसा लगा? बहुत जबरदस्त। आप फूड लवर हैं, आपको पता होना चाहिए। यस, यस, ये बहुत अच्छा है, पक्की बात है, जबरदस्त। असलम साहब कराची के मौजूद एक शख्सियत है। असलम भाई, मैं आज आपको लेकर आया, आप हमारे बुजुर्गों के साथ बैठ के खा रहे हैं, आपका शुक्रिया सबसे पहले। असलम भाई, आपके घर पे दावतें होती रहती हैं, कैसा लगा खाने का स्टैंडर्ड? बहुत जबरदस्त खाना है, और सबसे बड़ी बात है सारे लोग मिलजुल के खा रहे हैं, और यहाँ कोई तफरीक नहीं है, जो ओल्ड होम से जो आ रहे हैं मतलब, और सारे मिलकर हम लोग खा रहे हैं। हाई क्वालिटी खाना मैं तो तस्वर नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया सर, और मैं बार बार ये सोच रहा हूँ ये जफर साहब के बारे में नहीं, हारिस साहब के बारे में सोचे, अभी तक हजम नहीं हो पा रहा मैं। हम पूरे कराची पूरे पाकिस्तान की ओर से हारिस भाई का शुक्रिया अदा करेंगे, छोटे से हैं, मुझसे भी छोटे हैं, और बहुत स्मार्ट है, चश्मा वश्मा हारिस भाई चश्मा लगाया, ये नहीं कर रहे हैं यार, आप लोग देख लें, मैं सच बता रहा हूँ हारिस भाई, ये नहीं कर रहे हैं आप लोग देख लें, चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा। हाँ, हारिस भाई भाई शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, हारिस भाई हमारे मॉडल है, और ये पूरा अकेले रन कर रहे हैं सारा, जितने भी शनवारी पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, हैदराबाद में,
पिंडी इस्लामाबाद, पिंडी में हमारा इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, और हमारी अब इंशाल्लाह 3 महीने में हैदराबाद में ओपनिंग है इंशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात जो हारिस भाई ने की है कि जब इन बुजुर्गों का दिल चाहे आंख बंद करके यहाँ ले आए, खाना खाएं, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं, जो डिश ये बुजुर्ग बोलेंगे हारिस भाई ने स्टाफ को बोल दिया बना के देंगे। ये है जज्बा पाकिस्तानियों का, ये जज्बा है कराची वालों का। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाजमी शेयर करनी, और किसी को इस डिश की रेसिपी जाननी हो हारिस भाई से रब्ता कर सकते हैं शाही शनवारी में। बहुत शुक्रिया।